हेलो वेलकम बैक गाइस टू एन अनदर वीडियो। होप ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस आपके लिए ले गए हैं और एक वीडियो जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हमने चलाए थोड़े साइकिल के फुटेजेस, यानी या हम लोग करने वाले हैं साइकिलिंग इस वीडियो में। कोई ऐसा ऐसा साइकिलिंग नहीं, हम करने वाले हैं 160 किलोमीटर का साइकिलिंग जो कि रोइंग से जो काई तक रहेगा, जो कि डिब्रूगढ़ से थोड़ा अंदर पड़ता है, डिब्रूगढ़ का डिस्ट्रिक्ट का अंदर ही आता है, तो वहाँ तक अपन करेंगे साइकिलिंग। जी है, तो हम निकल पड़ते हैं रोइंग से चाफुका तक। वहाँ का आप देखिए सीन आगे, और यहाँ पे काफ़ी ठंड है। इस तरह से अपन लगा लिए हैं हेलमेट, कोई टेंशन नहीं है। और यह देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं वहाँ पर। ओके, 160 किलोमीटर काफ़ी देर हो गया हमको निकलते निकलते। देखे थे सब का बस वस जाने वाला है और अंधेरा से उजाला ही हो गया। बे ये है रोइंग टाउन में एंटर करने वाला गेट। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं रोइंग से डिब्रूगढ़ के सफ़र को। गाइस चलिए मिलके एंजॉय करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग पीछे रोइंग का गेट, ये यहाँ से जो रोइंग का गेट शुरू होता है वो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं विद इन 5 मिनट्स। तो ये गाइस अभी फिलहाल इसको मैं ऑफ रखा हूँ, क्योंकि अगर आपको इधर का कुछ सीन देखना है रास्तों का तो आप मेरे इस वाले बटन में, आई वाले बटन में क्लिक करके देख सकते हो। ये वाला रास्ता मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो मैं उन्हीं रास्ता को दिखाऊंगा, उन्हीं सीन्स को दिखाऊंगा जो आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस में नहीं देखे। तो ये है गाइस अरुणाचल असम का बॉर्डर शांतिपुर। यहाँ पे चेक गेट है गाइस। अपन पहुंच गए हैं चप्पकखुआ मेडिकल चारेली पार हो गए हैं। ये है सद्या कॉलेज। ओके, तो ये है यहाँ का फायर ब्रिगेड स्टेशन, और थोड़ा आगे जाके आपको मिलेगा थाना। और ये है यहाँ का थाना, और उसी को कहते हैं थाना चारेली। और हमें अभी तक चप्पकखुआ का थाना चारेली में पहुंचे हैं। ये आपका अभी बैंक चारेली है, उसी के बगल में सर्किट आपको। चप्पकखुआ के बाद वहाँ से हम लोग बढ़ते हैं धौला सदिया ब्रिज की ओर। बॉय यहाँ से ब्रिज अभी और 11.5 किलोमीटर है, माय गॉड। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, कितने देर में अपन पहुँचते हैं टाइम देखते हैं अपन। तो पहले जब धौला सदिया घाट आता तो यहाँ से उठते थे अपन, और यहाँ से जाया करते थे। ये था तीनियाली वही। गाइस इस्लामपुर जाने का रास्ता, सॉरी 8 माइल, इस्लामपुर तो वही था। यहाँ से 8 माइल। तो गाइस ये है यहाँ का आपका देख सकते हैं श्री बजरा की थान। तो इस तरह से गाइस आपको ब्रिज के उस पार, ब्रिज के इस पार आपको ढावा सा मिलता रहेगा। वो 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 तो यही है गाइस, यहाँ से आप नीचे उतर के इधर जाके दोलंग के नीचे पिकनिक में खा सकते हो, पार्टी कर सकते हो। पर प्लीज पिकनिक सब खाने का, पार्टी करने का, तो से सब साफ करके शुद्ध बना दीजिए। ओके, अब आगे देखिए हमने धौला सदिया ब्रिज कैसे क्रॉस किया। तो पहुंच गए हैं सदिया धौला ब्रिज, दोलंग पहुंच चुके हैं अपन 2 घंटा 25 मिनट में, 48 किलोमीटर कवर्ड। जो देखो गंदा लिटरिंग, रुकना तो रुकना, फोटो खींचना ऊपर से ऐसा गंदा कर देता, क्या ही बताएं यार। कहां से कहां आ गए भाई, पूरे आधे रास्ते में, आधे ब्रिज में खड़े हैं शायद। तो इस तरह से नीचे आपको इस तरह से कुछ जगह भी मिलेगा जहां पे आकर अपनी पिकनिक में खा सकते हैं, पार्टी वार्टी कर सकते हैं अपने चाहने वालों के साथ। जी हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारी बातें करी हमने, काफ़ी मस्ती भरे बातें करी। अगर आपको वो सब कुछ जानने का मन है तो इसका फुल वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। So I have successfully crossed the bridge with my mantra. तो ब्रिज के बाद अपन आगे बढ़ते हैं तालाब की ओर। काफ़ी बातें करी हैं, काफ़ी मस्तियाँ करी है गाइस। आपको इसका फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा हमारे अगले दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। काफी भीड़ रास्ते में, तो धौला बाजार यहाँ जाते हैं, मतलब अपन पहुंच गए हैं। ये है 0.3 याली,
ओके। तो तालाब पहुंच गए गाइस, यहां से तालाब शुरू होता है और यहां पे कुछ इस तरह से मनाया जा रहा था, काफी अच्छा लगा सबके द्वारा, काफी पेट्रोलिज्म देखने को मिला। हाँ तो उसके बाद अपन निकलते हैं तालाब से दुमदुमा की ओर। अपन यहाँ पे नाश्ता किया, अपन रुके थे 10:40 को, 10:50 सेकंड पे 16 मिनट लगा नाश्ता करने का। तो ये है मैं दुमदुमा तीन याली, काफी ट्रैफिक एज यू कैन सी, काफी बेकाबू बेकाबू। दुमदुमा से होते हुए अपन बड़े माकू के बाईपास की ओर। ओके गाइस, एज यू कैन सी दीपिका 64 माने 100 किलोमीटर हम साइकिलिंग कर चुका अभी तक। ओके गाइस, तो ये है माकू का बाईपास रोड, यहाँ इधर से और अब जाना है अपन को ये वाला रास्ता। तो इधर सीधा जाएंगे तो अपन निकलेंगे 3 जगह टाउन। ओके टाउन पर जाना पड़ेगा, तो टाउन तो जाने के लिए मेरे कुछ काम ही ना टाउन जाने के लिए, और ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो इससे हमें बाईपास से निकल सकते, जहाँ में कम ट्रैफिक रहेगा और इसमें फ्रीली कर सकता हूँ। तो माकूम बाईपास से सीधा पानीतला बाईपास की ओर चलते हैं। तो इस बाईपास में काफ़ी बातें और मस्ती किया गाइस, तो आप वो भी आप देख सकते हो उस बड़े फुल वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो एट लास्ट गाइस अपन पहुंच गए हैं पानी तोला का बाईपास तिनियाली, जहाँ से सीधा जाएंगे तो आप मेन रोड हाईवे होके जा सकते हैं डिब्रूगढ़ की तरफ, पर अपन जाएंगे इस तरफ। ये है आपका बाईपास जाने का डिब्रूगढ़ का। ओके तो एज यू कैन सी डिब्रूगढ़ दिख रहा है 47। तो पानी तोला के बाईपास से होकर अपन निकलते हैं डिब्रूगढ़ बाईपास की ओर, और ये बाईपास में तो और गजब गजब की बातें होती हैं, गजब गजब की कहानियाँ, साथ में गाना वाना भी होता है, सब भी आपको मिल जाएगा फुल वीडियो में। डिब्रूगढ़ टाउन इधर से 9 किलोमीटर है, टाउन में जाना है। तो ये है गाइस लाहौल का नया बना हुआ ओवरब्रिज, इधर से आप 3 जगह भी जा सकते हैं ये बाईपास अगर आते हैं, और ये नीचे से जो रास्ता आ रहा है इसका इधर आना वो आपका डिब्रूगढ़ टाउन से आप ये बाईपास पकड़ जाते हैं, वहाँ से आ सकते हैं। तो यही डिब्रूगढ़ बाईपास होकर अपन चलते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर। तो हम पहुंच गए हैं, तो काफी अंधेरा हो गया है और हमें खनिकर में, तो यहाँ से थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक होता था तो बाईपास क्या ही दिखाए, मतलब ठीक 10 घंटे में अपन खनिकर तक पहुंच गए हैं, जिसके आगे मैं चाहता हूँ शायद वीडियो ना ही करूँ, सोच रहा हूँ। ओके इसके बाद क्या ठाकुर थान कैसा जो कहता है उतना ही है। तो यही था गाइस रोइंग टू चौकाई डिब्रूगढ़ तक का मेरा ये सफर का वीडियो, मेरा सबसे लॉन्गेस्ट राइड इन साइकिल, लॉन्गेस्ट जर्नी साइकिल, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, लगभग 10.5 घंटा लग जाता है, मतलब 10 hours 38 minutes 10-40 minutes समथिंग लग गया था, और काफ़ी बढ़िया मज़ा आया। ऐसे ही गाइस और भी आगे गुनगुनाते रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपसे फिर मिलते रहेंगे। तो यही था गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग कीप ब्लॉगिंग।